अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ही होंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऐप्स के बारे में कि ऐप्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको अपने गूगल ऐप में ऐड करते हैं। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग साबित हुई होगी और आपके लिए बहुत ही मुफीद और मज़ेदार साबित हुई होगी। तो हम इस वीडियो करते हैं शुरू। और ये वीडियो हमारे ये बहुत ही खास होने वाली है और ये है वाइट बोर्ड के हवाले से। मिसाल के तौर पर आपने अगर जूम मीटिंग ऐप चल रही है, अगर आपने किसी को समझाना है, ऐसे बात से समझ नहीं आ रही, तो उसे ले आए वाइट बोर्ड पर आके माई ऑल वाइट बोर्ड, ऑल वाइट बोर्ड पर ये आ जाएंगे। ये मैंने ऐसे ही बनाया था, ऐसे ही रिसेंटली, कोई भी इसमें अच्छी चीज़ नहीं है, ये ऐसे ही खड़ा है सिर्फ। ऑल यहाँ पर न्यू बनेगा, तो आप ऑल वाइट बोर्ड, माई वाइट बोर्ड, ये मेरे पास जो वाइट बोर्ड है मैंने एक बनाया है, वही ऐसे ही बनाया है। शेयर विद मी, मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया वर्क, किसी ने वाइट बोर्ड शेयर नहीं किया, तो इस वजह से ये खाली ही खड़ा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूट्यूब में मैंने न्यू ऐप बनाई है, मेरे पास पुराना अकाउंट भी है, मैंने न्यू ऐप आपको समझाने के लिए बनाई है। पुराना अकाउंट मेरा पर्सनल था, तो इस वजह से ये न्यू बना लिया आरजी तौर पर, तो ये न्यू है इस वजह से इस पर नहीं है कोई भी है। यहाँ स्टार्स, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई भी वाइट बोर्ड है, उसको मैंने क्या करना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर वक्त मेरे काम आता है। तो और भी मेरे पास वाइट बोर्ड होंगे तो मुझे ढूंढने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। उसके लिए आसान तरीका यही है कि आप वाइट बोर्ड को स्टार्स कर लें। मिसाल के तौर पर इंपॉर्टेंट वाइट बोर्ड स्टार, उस पर क्लिक कर दें स्टार पर, वो खुद स्टार्स हो जाएगा और आपको ढूंढने में जो है वो आसानी ही रहेगी, आपको कोई मुश्किल या दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से इसे ये तरीका बेहतर रहेगा। ये है टॉर्च, टॉर्च आइडियाज। अगर मिसाल के तौर पर आ रहा है, अगर आपके पास कोई भी ऐसे खड़ा है वाइट बोर्ड जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से टॉर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऑल वाइट बोर्ड, माई वाइट बोर्ड, ये मैंने बनाया था ऐसे ही सिंपल, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए बनाया था कि काम कर रहा है या नहीं, वरना है मेरे ये किसी काम का भी नहीं। ये देखो ऐसे ही बनाया था मैंने। ठीक है, तो आपको मैंने इसके और भी फीचर बता दिए, यहाँ से न्यू होगा। अगर मिसाल के तौर पर इसका ये फीचर भी कमाल का है, अगर वाइट बोर्ड है भाई, तो अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह डब्बों में आ जाए, ये डब्बा यहाँ पर हो, एक डब्बा यहाँ पर हो, एक डब्बा यहाँ पर हो, तो ये डब्बों में आएंगे इस तरह। अगर आप कहते हैं कि लाइंस में, ये ज़्यादा बड़ा साइज में ना हो, तो उसके लिए आप ये कर लें, ये आएगा इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ये तरीका भी बेस्ट रहेगा। हालांकि अच्छा, ये तो डब्बों में ही लगता है, तो इस वजह से आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग साबित हुई होगी, आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।